जो पोस्टर है वो भी बहुत ज्यादा डरावना है। मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले अनफॉर्चुनेटली आपकी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे और काफी बड़ा मामला हो गया था, पुलिस तक भी बात पहुंच गई थी, कहीं उनको डराने के लिए तो आपने ये रोल वगैरह नहीं लिया है? नहीं, फिल्म तो खैर मैंने उससे पहले बन चुकी थी फिल्म, तो थोड़ा सा कुछ रह गया होगा तो पता नहीं लेकिन अब हालात कैसे हैं वहां पर? अभी बहुत अच्छे हालात हैं, सब सारा जो है वो कोर्ट में चल रहा है बाकायदा और बहुत सप्रेम चल रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विकी। विकी, कैन यू टेल अस हाउ डू यू चूज योर रोल्स, और आर द रोल्स चूजिंग यू राइट नाउ? अभी तक मैंने जितनी फिल्में की हैं सबका ऑडिशन दिया, तो मैंने किसी को चूज नहीं किया है, उन फिल्मों ने मुझे चूज किया है। एंड आई एम हैप्पी कि ऐसी जर्नी रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने 10 फिल्में में से एक किया यार ये फिल्म मेरे लिए सही है, तो वैसा कभी हुआ नहीं। मैंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। हाँ जी, विकी ने अभी तक 3 ऑडिशन दिए तो तीनों क्रैक किए। कांग्रेचुलेशंस छाबड़ा जी, यू जस्ट वन एन अवार्ड डे बिफोर यस्टरडे। फॉर व्हाट? टैसल अवार्ड मिला सर आपको? हाँ सर मिला। ये क्या है टैसल अवार्ड? ओके, फाइनली अनुराग, द क्वेश्चन इज टू यू। Of course, we all know that Bombay Velvet did not do well, but you were talking about some stands right now. Were there other situations in this movie that, you know, you had to take stands for? No, it's not that. It's like what happens is you're making a film and you start out making a film and there's a film that you're going to make. And midway, the process kind of changes. You know, you forget why you started in the first place, why you wanted to make the film. So, wo jo process hai. And sometimes we get into a lot of times we need to put our foot down and say no, this doesn't go with the film, and we give in to a lot of pressures, we go on a back foot. So I think my biggest constraint was jab kya hota hai ki ek film ka budget bahut bada ho jata hai aur wo itna zyada bada ho jata hai ki aapke control ke beyond hai, uska pressure itna zyada ho jata hai ki aap back foot pe aa jate ho, to wo jo back foot pe aana hota hai wo sabse badi galti hoti hai. Wo aap matlab kitna bhi bada bowler kyun na ho, wo Kohli ko samne ja ke khelna padta hai. पीछे जाते हो ना धीरे धीरे हिट विकेट हो जाते हो, तो वैसा हो गया था कुछ। मेरा सवाल है, हाय दिस सोहेल नवाजुद्दीन, पिछले दिनों 3 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उस दौरान आप नहीं थे, लेकिन मिस्टर अमिताभ बच्चन ने आपकी बहुत तारीफ की थी और उन्होंने कहा था ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, क्या कहोगे इसके बारे में एक्चुअली व्हेन इट कम्स फ्रॉम मिस्टर अमिताभ बच्चन? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ट्रेलर पे इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था पुणे में और क्लाइमेक्स शूट चल रहा था, तो आना तो चाह रहा था बट किसी वजह से नहीं आ पाया। और बच्चन साहब ने तारीफ की, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मैंने खुद उनसे काफ़ी कुछ सीखा है शूटिंग के दौरान और बाहर अंदर सब। मेरा सवाल है नवाजुद्दीन से, सवाल है मैं जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन, इस करेक्टर को निभाते वक्त आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? क्या कह रहे हैं? इस करेक्टर को निभाते वक्त आपके लिए सबसे मुश्किल काम क्या था? चैलेंज यही था कि ठीक तरह से हो जाए कैरेक्टर, मतलब, और ये था क्योंकि बहुत ही, चूंकि नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, कुछ इसकी अपनी अलग फिलॉसफी है, अलग थॉट है, जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम सोचते हैं वो गलत है, वो उसके लिए सही है ना, तो ऐसे ब्रेन में जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो तभी जस्टिस कर सकते हैं आप जब आप उसकी थ्योरी को बिलीव करते हैं, इसलिए बहुत। नवाज, मैं संजय मिश्रा बीबीसी से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब कमर्शियल फिल्म के लीड हीरो हो गए हैं, तो अब अपने स्ट्रगल के दौर को अगर किन्हीं शब्दों में बांधना हो तो कैसे देखते हैं, और क्या अब उन फिल्मों के लिए सोचना पड़ता है साइन करने से पहले जिनमें कम पैसा मिलता है, दोस्तों की है या उनका कहानियां उनकी अच्छी है, क्योंकि आप बिजी हो जाते हैं कमर्शियल फिल्मों में, क्या कहेंगे? थोड़ा शॉर्ट में बता दो अब आप मतलब अमिताभ बच्चन के साथ, सलमान खान के साथ, रमन राघव मांझी करते हैं लीड, शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रहे हैं, तो एक तो स्ट्रगल के दौर को, जो आपका स्ट्रगल टाइम था, उनको किन शब्दों में सोचते हैं, अगर सोचना है कहना है उसके बारे में तो किन शब्दों में कहेंगे? और दूसरी बात है कि क्या उन फिल्मों के लिए जो जिनकी कहानियां बहुत अच्छी हैं, जिनमें कम पैसे मिलते हैं, दोस्तों की फिल्में होती हैं, उनको करने से पहले आप सोचना पड़ता है कि टाइम नहीं है? हाँ, ये तो मतलब डिपेंड करता है, मतलब किस तरह की
क्या क्या जवाब दूं? मेरी सच्ची बिल्कुल समझ में नहीं आया. मतलब आपका सवाल बिल्कुल ठीक है बट मेरी एक्चुअली थोड़ा सा समझ में नहीं आया. अनुराग. हाँ, मतलब जो सही होगा वही चुनेंगे अपने उस वक्त के हिसाब से. नहीं, थोड़ा हीरोइन मिले तो अच्छा है ना. अनुराग. स्मिता है. अनुराग, एक तरफ आप रमन राघव बना रहे, दूसरी तरफ रामू जी वीरप्पन बना रहे हैं, तो क्रिमिनल्स पे फिल्म में, मतलब एक तरफ मैरी कॉम बन रही है, तो इस फिल्म के पीछे क्या सोच अप्रोच थी? क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा कुछ भी. मैं तो वो हम लोग, हमारे यहाँ ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि हम लोग क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई तो नहीं करते हैं. हमारी तो कंट्री ऐसी, यहाँ पे हर चीज रोज ग्लोरीफाई होती है जो नहीं होनी चाहिए. आई थिंक ये फिल्म जो है किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है, और ये फिल्म जो है, मतलब ये फिल्म देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी. एंड वो आज हमारे समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक फिक्शनलाइज, एक थ्रिलर की तरह, एक फिल्म ये थ्रिलर की तरह है जहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास अक्सर घटती हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, और वो कैसे उसको एक कहानी की तरह पिरोया गया है. जॉनर फिल्म है, और जॉनर फिल्म अक्सर जो है, चाहे वो हॉरर हो, चाहे थ्रिलर हो, चाहे सस्पेंस हो, चाहे चेस ड्रामा हो, वो अक्सर जो एक कहीं ना कहीं एक अंदर एक ऐसा एक पॉलिटिक्स लेके घूमती हैं सोसाइटी का, और जिनको और किसी तरह से कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता. तो इस फिल्म में भी वैसा ही है कुछ. अनुराग, आप इतनी डार्क फिल्में बनाते हैं, डार्क टोन फिल्में, कभी आपको अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज महसूस हुआ? मेरी थ्योरी है, जो बहुत ज्यादा कॉमेडी फिल्म बनाते हैं वो अंदर से एक्चुअली बहुत ज्यादा डार्क होते हैं. आप कभी उनसे मिलकर देखिएगा. और जो आदमी जो अपनी सारी डार्कनेस स्क्रीन पर निकाल देता है, अंदर बहुत हल्का होता है. हाय अनुराग, ओवर हियर. You know, towards your left, over here. When you make a film on a real life, based on a real life character, does it get difficult? I still can't see you. Huh? Yeah, tell me. When you make a film based on a real life character, does it get difficult or things get easy? No, it's always very difficult. But this is not really based on this is actually inspired from him. And because that character was in the 60s, this film is based now, today's time. And it's not... It's difficult because you're starting to say something, you're treading a very dangerous line, and you have your own sense of responsibility. So, आप ऐसी कहानी कह रहे हो तो आपको इस तरह से कहना है कि इसके सारे एक तो पहलू जो है कहीं ना कहीं आपस में समझ में आ जाए, बंध जाए. एट द सेम टाइम पिक्चर जो है ऐसी कहानी आपको बांध के रखे, और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है जो एक्टर के साथ आप मिल के करते हैं और पूरी टीम मिल के करती है, उसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. अगर ये बायोपिक होती तो और 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट होती. एंड श्रीराम राघवन हैज आल्सो मेड अ फिल्म ऑन रमन राघव. श्रीराम राघवन मेड अ फिल्म डॉक्यूमेंट्री. हां, नो, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ फिक्शनल 1 hour फिल्म, एंड दैट वाज द फर्स्ट फिल्म दैट आई वर्कड ऑन व्हेन आई केम टू बॉम्बे. सो दैट्स हाउ आई नो द स्टोरी, एंड दैट्स हाउ सिंस आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद द स्टोरी सिंस देन. सो आई केम व्हेन द फिल्म वाज फिनिश्ड शूटिंग एंड इट वाज डूइंग पोस्ट प्रोडक्शन इज व्हेन आई हैड जॉइंड देम. Anurag, are we going to take the last few questions now? No, you're this gentleman right here. Hi. How are you? My question actually was coming to that only, because you started somewhere with Raman Raghav, you actually then did Otto Narayan. You actually deal with a lot with murders and... Oh, well, in the sense, there was a time we were doing a whole lot of stories on the serial killers of India. There's a lot of research we had done, and I think 3 film ke baad wo project band ho gaya tha. Usme se ek maine likha tha aur 2 pe maine kaam kiya tha. तो मेरा करियर वहीं से शुरू हुआ था. वो घूम कर फिर के 23 साल में वापस वो एक जर्नी पूरी हुई है, सर्कल पूरा हुआ है. ओवर द लास्ट 23 20 इयर्स योर अंडरस्टैंडिंग और द वे यू लुक एट